स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। जो क्लास है वो आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए है। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जो क्लासेस हैं ये आपको सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। और क्लास आपकी 11 है, इसके पहले 1 to 10 क्लासेज ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट कौन से, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब में सर्च कीजिए, चैनल के ऊपर क्लिक करिए, उसके बाद वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट होगी। फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको ये सब इसके पहले की क्लासेज मिल जाएंगी। जो चैप्टर है ये नया है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है प्रिंट होने में। ठीक है, चैप्टर का नाम है OSHEE। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं globalITI.org से, और टेस्ट आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी वेबसाइट से, न्यू अपडेट के ऑप्शन में। ठीक है, नई अपडेट के नाम से एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर मॉडल पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है OSH, उसके बाद EE लिखा है ना, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, या इन्वायरमेंट एजुकेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है, ये आपके सामने हो गया। क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल, या इन्वायरमेंट कोई भी बोल सकते हैं, एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जनरली बात जो क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड हैं, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। ये क्यों ज़रूरी है, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित नहीं हैं तो फिर काम कैसे करेंगे, या फिर जो भी वहाँ पर लोग काम करने वाले हैं सबकी सुरक्षा का दायित्व होता है कंपनी का। तो ये एक इस चैप्टर में सुरक्षा के बारे में ही हमें पढ़ना है, सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टाइप के, वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये सब चीज़ें इंडस्ट्री के लिए होती हैं, जब आप आईटीआई पास कर जाएंगे तो आप जाते हैं, या फिर वर्कशॉप वगैरह में भी काम करते हैं तो ये चीज़ें फॉलो होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट डेंजर रिस्क हजार्ड, ठीक है, डैमेज, जितना भी शब्द लिखा है ये एक्सीडेंट डेंजर रिस्क हजार्ड डैमेज, ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, सब खतरा आप कह सकते हैं ना, सब खतरा या नुकसान, सबका सबका यही मतलब है, जितने भी शब्द हैं सबका यही नुकसान करना, खतरा, डेंजरस चीज़ें जो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से, मेंटली मतलब मानसिक रूप से, बायोलॉजिकली मतलब कुछ बायोलॉजिकल, आप हथियार मूवी जो वगैरह देखते होंगे ना, उसमें देखते हैं ना बायोलॉजिकल भी मिसाइल वगैरह होती हैं, जिसमें कुछ वायरस वगैरह होते हैं जो इंटरनली डैमेज करते हैं। ठीक है, तो वही बायोलॉजिकल बात हो रही, इस तरह के जो होते हैं फिलहाल उन्हीं सब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, शब्द बार बार रिपीट होंगे। कह रहा है दुर्घटना, खतरे, जोखिम या सुरक्षा, इन सब चीज़ों से, ठीक है, इन सब चीज़ों से सुरक्षा क्या कहलाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन सबसे पहले ही लिखा था, प्रोटेक्शन फ्रॉम, जितनी भी ये कहानी लिखी है सब, इन सभी खतरों से प्रोटेक्शन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कहलाएगा, ठीक है, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम कहलाएगा, एंटीसिपेशन है, वर्क ये सब नहीं होगा आपका, क्या होगा, सेफ्टी। ठीक है, आंसर ए सही होगा। क्यों ये सही होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है सुरक्षा, ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा या ऑक्यूपेशनल मतलब जो भी कोई भी किसी भी प्रकार का आपका नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं उनको ही बोला जाता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ठीक है, तो ये सुरक्षा की बात कर रहा है, तो यही पूछ रहा है कि इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन कौन दिलाएगा, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो आपको उससे सुरक्षा दिलाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका ए सही होगा। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज इम्पॉर्टेंट, हमने आपको कहा था ना कि जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी सेफ्टी जरूरी है। क्यों, बिकॉज लिखाना क्यों जरूरी है, इसका आपको आंसर देना है। इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट,
आप चाहते हैं कि आपके कंपनी में बढ़िया प्रोडक्ट बने, दूसरा इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ठीक है, तीसरा रिड्यूस अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंटिज्म लिखा हुआ है, मतलब कि कम से कम लोग अनुपस्थित हों। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके वर्कशॉप में लोग सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, फिजिकली परेशान नहीं होंगे, मेंटल ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, तो सिंपल सी बात है वहाँ पर अच्छा काम होगा, और अच्छा काम होगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना होगा, और लोग अब्सेंट भी कम होंगे क्योंकि बीमार नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर लिखे सभी, ठीक है। क्यों सुरक्षा जरूरी है, अगर आपके कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे तो उनके साथ ये आपके अपने आप आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाउड नॉइज, तेज आवाज किस टाइप का हजार्ड है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, व्यावसायिक खतरा, ठीक है, कोई भी व्यवसाय है, इंडस्ट्री है, उसी की बात हो रही है। तो हजार्ड मीन्स डेंजर, खतरा, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है उसको हजार्ड कहते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, और इस तरह से केमिकल हो सकता है, केमिकल हजार्ड भी होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर शोर हो रहा है, कई बार कुछ मशीनरी इतनी तेज़ आवाज़ करती हैं कि वहाँ पर आपको कान में डैमेज आपको हो सकता है, ठीक है, सुनने की आपकी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, आपके जो प्रॉब्लम हो जाए, तो उससे बचाव के लिए क्या होता है, ये इस तरह से पहनते हैं ना ईयरबड, जो कान को पूरा बंद करके रखता है, हेडफोन की तरह होता है लेकिन वो कान को बंद रखता है, बाहर की नॉइज़ जो है या मशीन जो चल रही है उसकी हैवी नॉइज़ आपके कान तक ना पहुँचे, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो फिलहाल ये कह रहा है कि जो शोर है वो किस प्रकार का हजार्ड है, मतलब खतरे, मैंने आपको बताया ना, केमिकल हजार्ड भी होता है, फिजिकल भी होता है जो शारीरिक रूप से नुकसान करे, बायोलॉजिकल भी होता है जो इंटरनली हमें मतलब नुकसान पहुँचाए। तो ये फिलहाल ये आपका क्या है, ये फिजिकली आपको परेशान करता है, ठीक है, ये आंसर ये सही होगा। देखिए फिजिकली, फिजिकल मतलब जो चीज़ दिखती है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जो महसूस करते हैं, ठीक है, ये सब जो अगर कोई आपको कहीं आपको हथौड़ी मार दे हाथ पर, तो आपके हाथ पर चोट लग गई तो ये फिजिकल डैमेज कहलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो शोर लगने से भी क्या होगा, आपको फिजिकली डैमेज होंगे, बायोलॉजिकल नहीं होता है शोर, कोई केमिकल भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि अगर तेज़ कहीं पर तेज़ आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, किसी को दिक्कत हो रही है, तो वो कौन सा हजार्ड होगा, तो वो फिजिकल होगा। वर्क प्लेस सेफ्टी मतलब जहाँ काम होता है वहाँ की सुरक्षा इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वर्क प्लेस सेफ्टी में, प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर अगेंस्ट, कह रहे हैं कि वर्क प्लेस सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि वो वर्कर्स की सुरक्षा करता है, किससे सुरक्षा करता है, किन किन चीज़ों से सुरक्षा करता है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, कार्यस्थल में सुरक्षा शामिल है, कौन कौन सी सुरक्षा कार्यस्थल में मिलती है आपको, देखिए आपको वेदर से भी मतलब खराब मौसम है उससे भी आपको बचाव मिलता है, केमिकल से कोई आपको प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना कहीं कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जहाँ केमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये इस तरह से ग्लास का बड़ा सा मास्क होता है जिसमें ऑक्सीजन का नोजल लगा रहता है, मूवीज में तो देखे होंगे, तो उस टाइप का कवर पहन के आप जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कार्बन फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बहुत बारीक बारीक काले काले टुकड़े धूल नुमा उड़ते रहते हैं, तो वहाँ पर मास्क लगाया जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी से आपको सुरक्षा मिलती है, ठीक है, इन सभी से सुरक्षा मिलती है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, इन सभी से आपको वर्क प्लेस पर सुरक्षा मिलती है या मिलनी चाहिए, जो भी कह लीजिए, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, इन सभी से आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, वर्क प्लेस सेफ्टी में इन सब चीज़ों से आपको सुरक्षा मिलती है, अगर कहीं पे रूल फॉलो किए जाएंगे तो इन सब चीज़ों से आपको सुरक्षित रखना है। व्हेन अ फायर इमरजेंसी अकर्स, कभी जैसे आग लग गई उस समय, इमरजेंसी कई टाइप की होती है ना, तो मान लीजिए इमरजेंसी मतलब अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, तो आग वाली दुर्घटना हो गई, तो उस केस में क्या होगा, पीपल हैव टू बी द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस मतलब जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, अगर अचानक से आग लग जाती है, जब आग की आपात स्थिति होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लोगों को कार्यस्थल पर मतलब जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर क्या होना पड़ता है, कार्यस्थल के अंदर आपको बंद हो जाना चाहिए, मतलब अगर इस फैक्ट्री के अंदर आग लगी है तो सब लोग उसी के अंदर घुस के ताला लगा लीजिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, सबको क्या किया जाएगा, रिमूव्ड फ्रॉम, आप सबको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, निकाला जाएगा या निकाल दिया जाएगा, ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं मूव्ड इन, मतलब अंदर चले जाओ, अंदर तो कोई जाएगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, PPE जो होता है, PPE का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो PPE क्या होता है, जितने भी जैसे कि हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गए हाथों के लिए, शूज हो गए पैर के लिए, उसके बाद कहीं पर अप्रन होते हैं ना, जो वेल्डिंग वेल्डिंग करते समय या कहीं वैसे ही जहाँ पर जलने वलने का इस टाइप का खतरा होता है, तो मोटे मोटे कपड़े जैकेट पहने जाते हैं। तो ऐसे बहुत से आपके गॉगल्स भी होते हैं, चश्मे भी होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सुरक्षा के उपकरण होते हैं ना, जो आपको सुरक्षित रखते हैं, तो ये उसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपको देखना होगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब आपको आंसर देख लीजिए, प्रोटेक्टिव, देखिए प्रोडक्टिव नहीं होता है, प्रोफेशनल नहीं होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर ए सही हो जाएगा, सिर्फ फुल फॉर्म पूछा है 6 का ए, ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जो एक व्यक्ति है, जो वर्कर है, उसके सुरक्षा के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उनको PPE बोला जाता है। कहीं कहीं पे आपको PPE किट भी बोला जाता है। PPE किट मतलब उसमें क्या क्या से सामान, कौन कौन से सामान है PPE किट में, कई बार पूछ देता है, या कई बार ऐसा पूछ देता है कि इसमें से कौन सा PPE किट है कौन सा नहीं है, ठीक है। PPE इंक्लूड्स, PPE में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर पूछ दिया क्या क्या होता है, तो सेफ्टी हेलमेट भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन, ग्लव्स भी यूज किए जाते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी गॉगल्स, ग्लासेस, ठीक है, ये सब के सब आपके PPE के अंतर्गत आते हैं। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट बर्न हार्मफुल लिक्विड। कोई ऐसे लिक्विड है जैसे कि वो एसिड वगैरह होते हैं ना, तेजाब वगैरह, जैसे हाथ लगने से आपका हाथ जल सकता हो, हाथ जहाँ पे, या फिर कहीं कट सकता है आपका हाथ, या जल सकता है, तो ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हाथों में क्या आप पहनते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तरल पदार्थों से बचा, कौन बचाता है, चश्मा तो हाथ में आप लगाएंगे नहीं, ये भी नहीं, आपको ग्लव्स बचाएंगे, ठीक है, जो ग्लव्स होते हैं मोटे मोटे इंडस्ट्रियल ग्लव्स होते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट या वहाँ पर जो खतरा है, जो हजार्ड है, उसके अकॉर्डिंग ग्लव्स डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। देखिए उनके वेल्डर वगैरह जो होते हैं मोटे मोटे ग्लव्स पहनते हैं, लेदराइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आर यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, आँख पे हेलमेट नहीं लगाएंगे, ग्लव्स नहीं लगाएंगे, ये तो ईयर प्लग लिखा है, कान का लिखा है, आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा, चश्मे यूज करेंगे, गॉगल्स। ईयर प्लग क्यों यूज किया जाएगा, कानों की सुरक्षा के लिए, किससे सुरक्षा करता है, अगर तेज नॉइज है, बहुत तेज आवाज आ रही है, आपका कान खतरे में है, मतलब कान का जो होता है ना कि ये खराब हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको यूज होता है, म्यूजिक सुनने से बचाने के लिए नहीं, केमिकल से बचाने के लिए नहीं यूज होता है, आपका लाउड नॉइज मतलब तेज आवाज है तो उससे बचाने के लिए ईयरबड यूज किया जाता है, ठीक है। कानों में छोटा छोटा प्लग टाइप का होता है, कानों के अंदर लगा लो तो क्या होता है, ये आवाज बाहर के अंदर नहीं जाती, ठीक है। एक तो ऐसे आप वो नहीं म्यूजिक सुनने वाला होता है उसको लगा लेंगे तो म्यूजिक अंदर जाएगा, तो वो नहीं, ईयरबड अलग होते हैं, ये ईयर प्लग्स होते हैं, ईयरबड, ईयर प्लग्स, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एन एक्सीडेंट और इंजरी दैट कैन हैपन इन वर्क प्लेस, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, जहाँ भी, वहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कोई दुर्घटना, इंजरी, चोट वोट लग गई तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड, कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना चोट क्या कहलाती है, कार्यस्थल पे हो रही है तो वो वर्क नहीं है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड होगा, ठीक है, वर्क नहीं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ठीक है। आंसर कौन सा सही होगा आपका, आंसर बी होगा, क्योंकि ये तब होता है जब आप कहीं पर हैं, कहाँ पे, मतलब घर पे हैं तो नहीं, ये जब आप वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो उसको व्यावसायिक खतरा बोलते हैं, ठीक है। वर्क प्लेस मतलब आप जहाँ काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो भी है आपकी, वहाँ पर अगर दुर्घटना होती है तो उसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोला जाता है, ठीक है, ये नहीं होगा, आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं, हाइजीन रिलेटेड हजार्ड आर कॉज्ड बाई, हाइजीन रिलेटेड हजार्ड कैसे होते हैं, ठीक है, स्वच्छता संबंधित खतरे कैसे होते हैं,
ऐसा होता है जैसे मान लीजिए हम किसी केमिकल प्लांट में काम करते हैं, वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे मतलब केमिकली एक्टिव कंपोनेंट्स है जिसको हमने हाथ से छुआ जो हमारी आँखों को या इस तरह से कहीं नुकसान पहुँचा सकते हैं, हाथ मैंने धोया नहीं, फिर मैं आगे गया और दूसरे से हैंडशेक कर लिया, हाथ मिला लिया, उसने अगले से मिला लिया, तो ये हाथों से क्या होता है आगे फैलता रहता है, ठीक है, वायरस टाइप की कोई चीज़ होगी तो यही पूछ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये है आपका कंटेमिनेशन, आपका ठीक है हाथों का दूषित होना, अगर हाथ आपका दूषित है तो ये बीमारी जो है, ये चीज़ जो है हाइजीन रिलेटेड हजार्ड जो है वो फैलेगा या प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, इज एन एग्जाम्पल फॉर फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब जो जलने वाला हो, एक्सप्लोसिव मतलब जो धमाका करने वाला हो सब्सटेंस, कह रहा है इसमें से कौन सा है जो जलने और धमाका करने वाला है, ठीक है, ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ कौन सा है, नीचे दिए गए में से आपको सेलेक्ट करना है, तो गैस सिलेंडर भी ज्वलनशील होता है, मतलब धमाका भी कर सकता है, केमिकल भी जल सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा ये जो गैसेज होती हैं फ्लेमेबल, कुछ ऐसे गैसेज होती हैं जो नहीं जलती हैं लेकिन बहुत से ऐसी होती हैं जो जलती भी हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 13 का आंसर डी सही हो जाएगा, ऊपर दिए गए सभी जो हैं विस्फोटक और जलनशील खतरनाक टाइप के हैं, ठीक है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। सेप्टिक टैंक्स, माइंस, मैन होल्स, स्टोरेज टावर्स, वेसल्स, टनल्स, ETC आर कॉल, इनको क्या कहते हैं, कुछ ऐसे मतलब हर जगहों पे कुछ केमिकल स्टोर करने के लिए या बहुत सी ऐसी सेफ्टी टैंक्स होती हैं जिनको अब उसमें केमिकल रख रहे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल रख रहे हैं जो उसको बंद रख के सुरक्षित रखना है, उसे बाहर ना जाए, ना उसकी गैस बाहर निकले जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो, इन चीज़ों को तो अलग अलग टाइप के टैंक और बर्तन ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ठीक है, लिखा है ना सेप्टिक टैंक, माइंस, मैन होल, स्टोरेज टावर्स, वेसल्स, बर्तन, टनल, ये सब चीज़ें इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहते हैं ये सेफ नहीं, ये भी नहीं, ये आपका कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है, ठीक है, ओपन खुले में नहीं रखा जाता है, कन्फाइंड स्पेस, इसमें क्या होता है कि लिमिटेड जगह होती है, उसका पर्टिकुलर एक इनलेट होता है, आउटलेट होता है, सब फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी फैल गया, निकल गया, बह गया, इस टाइप का नहीं रहता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, द हेल्प गिवेन टू अ सिक, कोई बीमार है उसको आप हेल्प कर रहे हैं, इंजर्ड पर्सन जब उसको जब चोट लगी हुई है, ठीक है, और मेडिकल हेल्प अभी क्या है इज अनटिल, मतलब जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प या एम्बुलेंस वगैरह आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, उसके पहले आप उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, उसको चोट लग गई या अचानक से वो बीमार हो गया, तो मेडिकल हेल्प के आने से पहले जब आप उसकी मदद करते हैं तो किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक या होने से पहले दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, जब आप शुरू में ITI में पहली क्लास करते हैं तभी ये पढ़ाया जाता है फर्स्ट एड, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में ही है, 15 का भी आंसर सही था। नेक्स्ट चलते हैं, वाइल गिविंग फर्स्ट एड, किसी को पहली वाली जो अभी फर्स्ट एड हुआ था ना, फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, किसी को जल उल गया है किसी तरह से कोई व्यक्ति, तो उसको आप फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर के आने या डॉक्टर के ले जाने से पहले, उसके पास ले जाने से पहले आप सोचते हैं थोड़ा बहुत उसकी मदद कर दें, तो उसको फर्स्ट एड कहते हैं, कोई जला हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, इसमें से ऐसा क्या है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, जले हुए व्यक्ति मतलब होता है ना कि जैसे हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, कि जले हुए व्यक्ति को ये नहीं देना चाहिए या उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए, कुछ ऐसे नियम होते हैं, तो वही पूछ रहा है कि प्राथमिक उपचार, जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित में से किस चीज़ से बचना चाहिए, चार पॉइंट लिखा हुआ है और इसमें से कह रहा है कि क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये कह रहा है कोई मलहम और क्रीम लगाना, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि बर्फीला पानी, ठीक है, उसके बाद तीसरा कह रहा है कूल या मतलब ठंडा या थोड़ा हल्का रनिंग वाटर, गुनगुना बहता हुआ पानी, ये कह रहा है इनमें से कौन सा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए ए और बी दोनों, ठीक है, अपने मन से ही कोई क्रीम वगैरह नहीं लगाना चाहिए, बर्फीला नहीं लगाना चाहिए, नॉर्मल पानी, ठीक है, कोई नॉर्मल पानी या फिर हल्का जो है बहुत हल्का मतलब बहुत हल्का वाटर हो गुनगुना, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, ये दोनों यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ए और बी दोनों, ये दोनों आपको नहीं करना है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में किसी एक से बचना चाहिए, तो इनसे बचना चाहिए, ठीक है। हैजार्ड आर कॉज्ड, ठीक है, किस कॉज्ड, किसके द्वारा ये होते खतरे जो हैं, किसके द्वारा होते हैं या किसके द्वारा किए जाते हैं हैजार्ड, ठीक है। खतरे के कारण क्या होते हैं, ठीक, खतरे के कारण क्या होते हैं, कुछ लोगों की वजह से भी होता है, कभी कभी मशीनों की वजह से भी खतरा होता है, कभी कभी इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर उसकी वजह से भी खतरा होता है। इसलिए यहाँ पर आंसर आप डी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की वजह से, कभी कभी लोगों की वजह से भी खतरा हो जाता है गलत तरीके से काम करने की वजह से, कभी मशीन फाल्टी हो, कभी कभी वहाँ के इन्वायरमेंट ख़राब हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या 17 का आंसर डी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्मल सेफ्टी के क्वेश्चन से। कॉज इंजरी टू वर्कर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट पीस इक्विपमेंट और मटेरियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द वर्कर। देखिए, कभी कोई इक्विपमेंट है कोई, या फिर कोई मटेरियल है, किसी मशीन का कोई एक भाग है, ठीक है, वो क्या है, उससे कोई व्यक्ति या वर्कर टकरा जाता है तो उससे जो चोट लगती है, ठीक है, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। जब कोई वस्तु उपकरण या टुकड़ा सामग्री कार्यकर्ता मतलब काम करने वाले के संपर्क में आती है तो श्रमिक को चोट लगती है, ठीक है, तो ऐसी चोट को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो शारीरिक रूप से चोट लगे, जो हमें महसूस हो, दिखे, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, फिजिकल डैमेज के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल हजार्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपली सामने दिखेगा ना आपको, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है, फिजिकल हजार्ड आंसर ए सही होगा 18 नंबर का। 19 देखते हैं। फायर अनइवन सरफेस वर्किंग एट हाइट, मतलब बहुत ऊंचाई पे काम करना, अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन कॉज हजार्ड। देखिए, अगर आप कहीं ऊंचाई पर काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, ठीक है, जिनकी वजह सही से आपने उसे अनप्रोटेक्टेड हैं, मतलब उसमें कुछ तार वार खुला होगा, इधर उधर छिला होगा जहां से आपको झटके लग सकते हैं, तो इनसे आपको क्या हो सकता है। लिखा है आग, आसमान की सतह, मतलब ऊंचाई पर, छत की बात कर रहा है, ऊंचाई पर काम करना, असुरक्षित विद्युत उपकरण के साथ काम करना, जो ये सब चीज़ें हैं, इनकी वजह से आपको कौन सा खतरा हो सकता है। यहाँ ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। देखिए, मानसिक रूप से होता तो मानसिक रूप से इसमें खतरा नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं बायोलॉजिकल ऐसे किसी कंपोनेंट या किसी जैविक चीज़ की बात नहीं हो रही है, और यहाँ इन सब में कहीं देखिए केमिकल का भी नाम नहीं आया है, ठीक है। इसलिए इस खतरे को भी, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं, इससे होने वाले सब खतरे किसके अंतर्गत आएंगे, सब जो है फिजिकल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, शारीरिक रूप से चोट लगेगी, जो भी यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम लिखी हुई थी। हजार्ड ड्यू टू टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल्स, देखिए केमिकल्स लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, इसको किसके अंतर्गत आता है, रसायन के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरे को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पर देखिए फिजिकल नहीं, ये सीधे सीधे केमिकल डैमेज करेगा आपको, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको रासायनिक खतरा कहेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। आज के वीडियो में 20 क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको जो है कंप्लीट कर देंगे, जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग शायद 38 या 40 क्वेश्चंस हैं, तो 20 क्वेश्चन हमने कर दिया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो बचे हुए हैं वो कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आज थोड़ा सा निजी फील कर रहा था, इस वजह से थोड़ा एक्सप्लेनेशन शायद उतना आपको पसंद नहीं आया होगा, मैनेज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बेहतर हो जाएगा। थैंक यू।